हेलो दोस्तों और सभी को नमस्कार। मैं संदेश और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नोट मेकिंग और नोट्स जो हम बनाते हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या है, नोट मेकिंग क्यों ज़रूरी है, आप यूपीएससी के लिए नोट्स कैसे बना सकते हैं। देखिए स्पेशली नोट्स जो बनाए जाते हैं वो मेन एग्ज़ाम के लिए या प्रीलिम्स के लिए भी, जनरली हम मेन एग्ज़ाम के लिए नोट्स बनाते हैं। प्रीलिम्स के लिए कोई स्पेसिफिक नोट्स हमारा नहीं होता है, नोट्स हमारा इंटीग्रेटेड ही होता है। तो आज हम बात करेंगे कि नोट्स कैसे बनाएं और नोट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे यूज करना है, इन सब चीज़ों पर आज हम इस वीडियो को लेकर आया हूँ। बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि नोट्स यूपीएससी के लिए नोट कैसे बनाए जाते हैं, टॉपिक वाइज नोट्स, नोट्स के क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। तो देखिए टॉपिक वाइज नोट्स, हम टॉपिक वाइज जाते हैं, टॉपिक वाइज मतलब सिलेबस जो भी यूपीएससी ने सिलेबस दिया है, वो चाहे जीएस हो, ऑप्शनल हो, उसके जो सिलेबस दिया गया है उसके हर टॉपिक के थ्रू जाते हुए उस पर नोट्स बनाना। तो पहले जान लीजिए कि इंपॉर्टेंस, कि नोट्स का इंपॉर्टेंस। देखिए नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंस है, मेरा भी एक्सपीरियंस है, चाहे जितने लोग सिलेक्ट हुए हैं, जितने टॉपर सेलेक्ट हुए हैं उनका भी एक्सपीरियंस है और वो बोलते हैं कि नोट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मान लीजिए जो भी बुक्स हैं हमारे पास, तो बुक्स हम पढ़ लेते हैं, बुक्स आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जब मेन एग्ज़ाम की बारी आएगी, जब प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपके 3 महीने का टाइम दिया जाता है, तो उस 3 मंथ्स में आपका जो हैंड रिटन नोट्स है वही काम देता है। तो नोट्स जो है मेन एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पीटी के लिए थोड़े कम है लेकिन मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस पे आप अपना हैंड रिटन नोट्स से रिवाइज कर सकते हैं, नोट्स अपने हाथ से होने चाहिए, हैंड रिटन नोट्स बहुत ही इफेक्टिव होते हैं रिवाइज करने में, तो इसलिए भी। तीसरा, जैसा कि देखिए नोट्स की ज़रूरत क्यों है, यूपीएससी का सिलेबस बहुत ही वास्ट है, आप जानते हैं सिलेबस बहुत ही वास्ट है, तो इसलिए भी नोट्स ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बुक हैं, बुक्स बहुत ही बल्की हैं, जो भी बुक्स हो, लक्ष्मीकांत हो, स्पेक्ट्रम हो, चाहे आपके ऑप्शनल के बुक होंगे, ये बहुत बल्की हैं। तो अगर आपके पास छोटे छोटे नोट्स होंगे 100-150 पेज के, 200 पेज के, तो आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं, इसीलिए हैंड रिटन नोट्स होना बहुत ज़रूरी है और ये आपको बनाना पड़ेगा। आप अपना नोट्स बनाएंगे, अपने हाथ से लिखा हुआ अपना नोट्स बनाएंगे, टॉपिक वाइज जाकर हर जीएस के टॉपिक पे आप नोट्स बना सकते हैं। और ये भी एक कन्फ्यूजन है कुछ लोगों में कि क्या पीटी और मेंस का अलग नोट्स होगा, तो देखिए नहीं, पीटी और मेंस का अलग नोट्स नहीं होगा, नोट्स आपका एक ही होगा और उसका मेन फोकस होगा मेन एग्जाम। लेकिन चूंकि आप नोट्स बनाएंगे मेंस के लिए, तो उसमें प्रीलिम्स के लिए भी कुछ टॉपिक कवर होंगे, तो नोट्स तो हमारा एक ही होता है, इंटीग्रेटेड नोट्स आपका इंटीग्रेटेड होगा, पीटी और मेंस के लिए एक ही नोट्स होगा, उसी से आप पीटी के लिए पढ़ेंगे। अब पढ़ते समय आप ध्यान रखेंगे कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है तो आप प्रीलिम्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे, अगर मेंस का एग्ज़ाम है तो मेंस के लिए जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है आप उसको पढ़ेंगे, लेकिन नोट्स हमारा एक ही होगा, अलग अलग नोट्स नहीं होगा, मेंस के लिए मेन फोकस है, मेंस के लिए हम नोट्स बनाते हैं। तो ये है नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको रिवाइज करने में ईजी है, हैंडी होता है, पीटी और मेंस के बीच में जो 3 महीने का टाइम है उसमें आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं चीज़ों को, इसलिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप ध्यान रखें, इसीलिए हमारा अपना नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। कैसे बनाएंगे मैं आगे बताता हूँ, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर लें हैं, तो सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, इससे एक मोटिवेशन मिलता है वीडियो लाने के लिए। देखिए नोट कैसे बनाया जाए, नोट मेकिंग दो तरीके हैं जिससे आप नोट्स बना सकते हैं। पहला क्या है कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन किए हैं, अगर आप कोचिंग की कोई भी कोचिंग ज्वाइन किए हैं जीएस के लिए, ऑप्शनल के लिए, तो आपको कोचिंग में क्लास नोट्स आपको मिल जाता है, क्लास नोट्स मिल जाता है, तो उससे आपका नोट्स तैयार हो जाता है। लेकिन देखिए ये नोट्स अच्छे होते हैं, कोचिंग के जो भी नोट्स हैं अगर आपने अच्छे कोचिंग ज्वाइन किया है तो अच्छे हैं, इफेक्टिव होते हैं, खास करके मेन एग्ज़ाम के लिए। बस कुछ लिमिटेशन हैं, कोचिंग वाले जो क्लास नोट्स देते हैं उसकी भी कुछ कमियाँ हैं, कमियाँ क्या हैं वो मैं बताऊँगा। पहली बात है कि कोई भी कोचिंग जो भी आप अच्छे से अच्छे कोचिंग जानते हैं, कोई भी कोचिंग सारा टॉपिक, पूरे टॉपिक को कवर नहीं करते हैं, कुछ टॉपिक को लोग छोड़ देते हैं, जो भी ये टीचर्स पढ़ाते हैं कुछ टॉपिक को लोग स्किप कर देते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। आप सिलेबस देखेंगे, सिलेबस को देख के अपने नोट्स को मिलाएंगे कि कौन से टॉपिक्स हैं इसमें, कौन टॉपिक नहीं है, जो टॉपिक टीचर ने स्किप कर दिया है उस पर आप अपने से नोट्स बनाएंगे, किसी साइड से रेफर करके अपने से नोट्स बनाएंगे। तो क्योंकि जीएस में आप टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते हैं, जीएस में आप कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते हैं, जीएस में आपको सारे टॉपिक पे नोट्स बनाना होगा। वही मैं लिखा हूँ कि जीएस में सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और किसी को स्किप नहीं कर सकते हैं। ऑप्शनल पेपर में, आपका ऑप्शनल जो भी हो, ऑप्शनल में आप कुछ टॉपिक को छोड़ सकते हैं, यू कैन स्किप सम टॉपिक्स इन ऑप्शनल, बिकॉज देयर आर सम टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन आए ही नहीं हैं, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि ऑप्शनल में आप कुछ टॉपिक स्किप कर सकते हैं, जीएस पे आपके हर टॉपिक पे नोट्स चाहिए। तो पहला तरीका ये हो गया कि आपने कोचिंग ज्वाइन किया, वहाँ से क्लास नोट्स ले लिया।
क्लास नोट्स जो टीचर ने लिखवाया है वो आपका नोट्स हो गया। बस इसमें थोड़ा आपको एडिशन करना होगा, कुछ टॉपिक जो छोड़ दिए हैं उसको ऐड करना होगा। एक दूसरा तरीका क्या है, दूसरा मान लीजिए जो कोचिंग, जो बच्चे कोचिंग नहीं ले पाते हैं उनके लिए सेल्फ स्टडी से आप कैसे कर सकते हैं इसको मैं बताऊंगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए। आप कोचिंग, आपने कोचिंग नहीं लिया है, आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे नोट्स बनाएंगे। देखिए आप कोचिंग मटेरियल ले सकते हैं, मार्केट में कोचिंग मटेरियल अवेलेबल है। कोचिंग अपना ही ज्वाइन करें लेकिन कोचिंग, सारे कोचिंग ने अपना अपना मटेरियल मार्केट में बनाया है, उसको मार्केट में अवेलेबल है। तो आप वहाँ से किसी भी दुकान से आप कोचिंग मटेरियल ले सकते हैं। जैसे मैंने देखा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जैसे विजन का नोट्स है, ओनली आईएएस, बाजीराम, इस सब के नोट्स बहुत ही अच्छे हैं। इन कोचिंग के आप नोट्स लेकर और उससे अपना नोट्स बना सकते हैं, उसको समरा अपने अपना नोट्स, अपना एक हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं इन सब के सहारे। ये लोग सिलेबस को अच्छे से कवर किए हैं, तो ये नोट्स आप मार्केट से ले सकते हैं अगर आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया तो, और उससे अपना नोट्स बना सकते हैं। ये नोट्स बहुत ही बल्की होते हैं, कोचिंग वाले जो नोट्स बनाते हैं बहुत बल्की हैं, उससे आप सिलेक्टिव होकर वहाँ से कुछ टॉपिक को उठाते हुए अपना नोट्स बना सकते हैं। तो ये एक तरीका है जो बच्चे कोचिंग नहीं ज्वाइन किए हैं। और देखिए वही मैं बता रहा था कि उन उस नोट्स के सारे आप अपना नोट्स बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ से लेकर। और दूसरा इसके लिए ज़रूरी है कि आप सिलेबस को समझें। आपने कोचिंग नहीं ज्वाइन किया तो सिलेबस को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। सिलेबस को समझें और फिर टॉपिक वाइज आगे बढ़ें। सिलेबस को समझें और टॉपिक वाइज नोट्स बनाएं, ज़्यादा ज़रूरी है उस नोट्स के सहारे। फिर देखिए और भी जो दूसरी चीज़ें हैं, आप कुछ वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं। कुछ साइट्स हैं जो आपको फ्री में कंटेंट अवेलेबल कराते हैं, यूपीएससी के लिए फ्री कंटेंट मिलता है, तो आप कुछ साइट्स फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैंने देखा है दृष्टि आईएएस है, फोरम है, इनसाइट है, समझो करके एक साइट है, समझो यूपीएससी आईएएस पार्लियामेंट, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। इस साइट से आपको फ्री में कंटेंट मिल जाएंगे, कोई भी टॉपिक आप सर्च करेंगे, लास्ट में यूपीएससी लिखेंगे तो 4-5 साइट खुलेगा। उस साइट में किसी भी पर जाकर, जैसे दृष्टि का भी कंटेंट अच्छा होता है, फोरम आईएएस का भी मैंने देखा है, समझो आईएएस पार्लियामेंट, इनसाइट, इस सब के कंटेंट बहुत ही अच्छे हैं। वहाँ से आप किसी भी टॉपिक पे कंटेंट इकट्ठा कर सकते हैं, स्पेशली GS2 GS3 के लिए, GS4 के लिए आप नोट्स वहाँ से बना सकते हैं। इस सब साइट को फॉलो कर सकते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। और ये बहुत ही गुड क्वालिटी के नोट्स हैं, मैंने देखा है इनका कंटेंट बहुत ही अच्छा होता है, बट ये बल्कि है। एक बात ध्यान में रखना है कि ये भी कई बार बल्कि, कई पेज लिखे होते हैं, उतना पेज आपको नहीं लिखना है, आप शॉर्ट में 2-3-4 पेज जितना आपको ज़रूरत लगे, जो इंपॉर्टेंट लगे वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो इन सब सोर्स से अपना नोट्स बना सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको हर टॉपिक पे, स्पेशली GS2 और GS3-4 का जो टॉपिक है, GS2-3-4 का, वहाँ से आप बहुत ही सिलेक्टिव होकर नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको हर टॉपिक पे 2-3 पेज का भी नोट्स है, 2-3 पेज भी है तो इनफ हो जाता है कई बार, तो बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं बनाने हैं। हर टॉपिक पे आपके नोट्स होना 2-3 पेज GS2-3-4 के लिए अच्छा है। तो ये तो है कैसे, कौन से सोर्सेज फॉलो कर सकते हैं, ऐसे आप अपना नोट्स बना सकते हैं। एक और चीज़ है कि करंट अफेयर्स, अब ये जो नोट्स हैं आपकी बेसिक नोट्स हैं, करंट अफेयर्स के लिए वैल्यू एडिशन करने के लिए आप मंथली मैगजीन जो है किसी भी कोचिंग का, मंथली मैगजीन जैसे विजन का, बाजीराम का, कोई भी मंथली मैगजीन, दृष्टि का, हिंदी मीडियम वाले कर सकते हैं, मंथली मैगजीन है, न्यूज़पेपर्स है, इकोनॉमिक सर्वे है, यहाँ से आप करंट अफेयर्स और वैल्यू एडिशन मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं या अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। मंथली मैगजीन से, इकोनॉमिक सर्वे और न्यूज़पेपर से आप वैल्यू एडिट मटेरियल जो है उसको, कुछ स्कीम्स है, रिपोर्ट्स है, इसको कलेक्ट करके अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं मेंस में। ये आपके वैल्यू एडिशन के लिए काम देगा। अब देखिए ये सब मैंने बता दिया आपको नोट्स कैसे बनाना है। अब मैं अपने नोट्स कुछ दिखाना चाहूँगा जिससे आप समझ सकते हैं कि नोट्स कैसे बनाया जाता है, आपको खुद से आप नोट्स कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आप मेरा नोट्स का कुछ देख सकते हैं, कुछ टॉपिक, 2-4 टॉपिक मैं दिखाना चाहूँगा। तो देखिए आप ध्यान से जब देखेंगे तो देखिए एक टॉपिक है, डायरेक्टली सिलेबस में नहीं लिखा है लेकिन इससे क्वेश्चन आया है कई बार, डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, इस पे क्वेश्चन 21 में आया था 15 मार्क्स का। तो देखिए इसमें मैंने नोट्स कैसे बनाया है, ये हमारा टॉपिक हो गया और इसका फंक्शन, ये फंक्शन पॉइंट में मैंने लिख लिया है पॉइंट वाइज, और फिर ये कमेटी डीआर डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, इसके साथ ही सूच क्या है, तो ये सूच मैंने एक सब हेड यहाँ डाल दिया, फिर इस पे 3-4 पॉइंट मैंने लिख दिया। तो ये फंक्शन हो गया, ये सूच हो गया, और फिर वे फॉरवर्ड हम कैसे ठीक कर सकते हैं, जो दिक्कतें, जो कमियां हैं डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमेटी की, ये आपका भी फॉरवर्ड होगा, इस पे भी 4-5 पॉइंट। एक चीज़ आप देख सकते हैं मैंने कैसे पॉइंट वाइज नोट्स बनाया है, ये आपका टॉपिक हो गया डिपार्टमेंट, ये आपके फंक्शन हो गए, कमेटी के फंक्शन क्या है, इनके कंट्रीब्यूशन क्या है, ये सूझ हो गया, क्या इशूज हैं कमेटी के साथ, क्या समस्या है, और ये वे फॉरवर्ड है, आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं। फिर दूसरा एक टॉपिक दीजिए, एक टॉपिक है प्रेशर ग्रुप, ये डायरेक्टली लिखा हुआ है सिलेबस में, तो प्रेशर ग्रुप पे देखिए, प्रेशर ग्रुप टॉपिक लिखा हुआ है पेपर 2 में GS2 में, तो देखिए प्रेशर ग्रुप, ये मैंने डिफिनीशन लिख लिया है, 3-4 लाइन का डिफिनीशन हो गया मेरा, और टेक्निक,
प्रेशर ग्रुप कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, 3 different techniques देख सकते हैं, पॉइंट वाइज कैसे मैंने नोट्स बनाया है, ऐसे आपको नोट्स बनाना है। और फिर इधर इधर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, प्रेशर ग्रुप का फीचर्स जो भी है वो मैंने लिख लिया। इधर एग्जाम्पल प्रेशर ग्रुप्स फ्रॉम इंडिया, एग्जाम्पल्स हो गए बिजनेस ग्रुप्स हो गए, ट्रेड यूनियंस, प्रोफेशनल ग्रुप्स। तो ऐसे देखिए, ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं एक टॉपिक पे 3-4 dimensions कवर करते हुए। और आप ये भी देखेंगे कि मेरा नोट्स एक पेज से ज़्यादा नहीं होगा, DRRC पर 1 page और प्रेशर ग्रुप पे फिर 1.5 page नोट्स, आपको इतना ही बनाने हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनाने हैं। फिर एक देखिए पंचायत पे, फाइनेंसेज ऑफ पंचायत, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें सेकंड ERC का रिकमेंडेशन है। तो ये अब वैल्यू एडिशन मटेरियल हो गया, सेकंड ERC का रिकमेंडेशन है, वैल्यू एडिशन है, ये पॉइंट वाइज मैंने लिख लिया। फिर देखिए रीजंस फॉर इनइफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ पंचायत, पंचायत जो है इनइफेक्टिव क्यों है, इसका रीजन 4-5 points मैंने इस पर लिख लिया ऐसे करके। फिर वे फॉरवर्ड सजेशन टू इम्प्रूव, सजेशन कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, सजेशन टू इम्प्रूव वर्किंग ऑफ PRI, तो ये सजेशन हमारा हो गया 4-5 points, सजेशन कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान रखना होगा। कुछ सक्सेसफुल मॉडल ऑफ PRI, सक्सेस मॉडल भी है 2 examples में, ऐसे आपको नोट्स बनाना है कि कैसे आप, आपका इशूज क्या है, उसके वे फॉरवर्ड क्या है, रीजन क्या है इनफेक्टिव फंक्शनिंग के, सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स आपके पास होना चाहिए, मॉडल्स होना चाहिए। उसी तरह देखिए क्वासी जुडिशियल बॉडीज, इस पर भी मेरा नोट्स है, क्वासी जुडिशियल बॉडी का डिफिनेशन होता क्या है, रोल क्या है गवर्नेंस, इसके एडवांटेज क्या है क्वासी जुडिशियल बॉडी के, और वे फॉरवर्ड कैसे हम और इफेक्टिव बना सकते हैं। देखिए एक पेज, एक 1.5 page का नोट्स है, और इतना ही आपको हर टॉपिक पे बनाने हैं। कई बार इतना सही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। उसी तरह जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एक टॉपिक है, देखिए एक पेज में मैंने जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी क्या है और क्यों ज़रूरत है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की, इस और सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, बस ये एक पेज में जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी आपका खत्म हो गया। उसी तरह GS3 का कुछ टॉपिक दे सकते हैं, इकोनॉमिक का, जैसे एक टॉपिक है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इशूज राइजिंग फ्रॉम इट, एक टॉपिक है GS3 में। आप जब सिलेबस को देखेंगे तो देखिए मैंने यहाँ डिफिनीशन लिख लिया, OECD ने इंक्लूसिव ग्रोथ का डिफिनीशन दिया है, तो ये आपका डिफिनीशन हो गया है। एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, ये 4-5 elements हैं, 1, 2, 3, ये सब एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ हो गए। और फिर आपका चैलेंजेज क्या है इंक्लूसिव ग्रोथ में। तो देखिए 2 page में मैंने इसको कवर कर लिया अच्छे से, ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं। 1-2 page में आपका 10-15 mark क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, सेम चीज़ आपको एग्जाम में लिख के आ जाना है, ऐसे आपके नोट्स होना चाहिए। उसी तरह देखिए इशूज रिलेटेड टू सब्सिडीज, इस बार 2023 में क्वेश्चन आएगा, जब आया था जब पेपर देखेंगे 23 mains में यह क्वेश्चन आया है, सब्सिडीज के साथ इशूज क्या है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो देखिए इसमें मैंने फार्म सब्सिडी के बारे में लिख लिया, फार्म सब्सिडी क्या है, उसके बाद डायरेक्ट फार्म सब्सिडी पर लिख लिया, इसके एडवांटेज क्या हैं, और फिर इधर मैंने लिख लिया आपको इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी, इशूज भी डायरेक्ट फार्म सब्सिडी ये हो गया, और फिर इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज के बारे में थोड़ा लिख लिया। तो ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं कि 1-2 page में आपका नोट्स हो जाना चाहिए। और इस बार 15 mark का क्वेश्चन आया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी पे क्या है, तो देखिए मैंने 1.5 page का नोट्स बनाया और इस पर मेरा 1-15 mark क्वेश्चन भी हो गया। ऐसे आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ ग्रोथ देखिए, एक टॉपिक देखिए, ये भी मैंने 1 page पे जो भी इकोनॉमिक फैक्टर हैं और ये सब मैंने, तो ऐसे आपको नोट्स बनाए हैं। टेक्नोलॉजी मिशन एक टॉपिक है, देखिए टेक्नोलॉजी मिशन पे मैंने कैसे इसको 1/2 page और फिर 1 page में कैसे मैंने इसको टेक्नोलॉजी मिशन को टैकल किया है। तो ऐसे आपको नोट्स बनाने, आप समझ इस सब आप अभी तक समझ गए होंगे कि नोट्स कैसे बनाया जाता है। हर टॉपिक पे आपको टॉपिक लेना है, छोटे छोटे टॉपिक हैं GS2, GS3, GS4 में, और आपको 1.5-2 page का नोट्स बनाना है। वैसे ही एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आप लिख के आ सकते हैं। तो ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और मैं ऐसे ही वीडियो आगे लेकर आता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जो UPSC वाले फ्रेंड हैं सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट करके आप बता भी सकते हैं कि मैं और क्या आगे क्या आप लोग कैसा वीडियो ला सकता हूँ। और आगे मैं फिर कोई नए टॉपिक वीडियो लाता रहूँगा। सभी को धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।